हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज है आज न्यू वीडियो के साथ। तो आज आप हेलमेट देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं बाइक राइड पे जाने लगा। तो आज मेरा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है तो वो मैंने अपनी तरफ से फुल तैयार कर लिया है। तो अभी आज टेस्ट करते हैं कि कैसा रहेगा। अभी मैंने माइक जो है सेट किया है एक पोजीशन पे, अगर उस पे पोजीशन पे अच्छी आवाज आई तो ठीक है, फिर नहीं तो इसे पोजीशन चेंज करेंगे। तो आज होप है इंशाल्लाह ताला बेस्ट जो है क्वालिटी फुल रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी मैं बाइक वगैरह बाहर निकालूं, फिर चलते हैं इंशाल्लाह बाइक राइड पे। वो करते हैं आज का मोटो व्लॉग स्टार्ट। तो आज काफी दिन हो गए बाइक स्टार्ट नहीं की, तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं तो स्टार्ट होती है कि नहीं। सेल्फ नहीं लग रहा तो अभी रिमोट से करके देखते हैं होती है कि नहीं। मुझे लगता है धक्का लगवाना पड़ जाएगा। नहीं हो रही भाई, होगी 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 होगी। अभी इसे बंद नहीं होने देते, बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है तो अभी इसे बंद नहीं होना देता। तो अभी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला इसे बंद नहीं होने देना। तो बड़ी मुश्किल से मैंने स्टार्ट की है। तो जो मेरा एग्जॉस्ट है तो वही लगा हुआ है जो मैंने लगाया था न्यूजीलैंड के मैच के लिए, तो तब से मैंने उतारा नहीं है। तो आज की इसकी साउंड भी आपको सुनाएंगे कैसी साउंड है। तो उम्मीद है कि मेरी जो आवाज़ है वो साफ़ आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी। तो अगर आज आवाज़ साफ़ आई तो आज इंशाल्लाह ये व्लॉग जो है उम्मीद है कि अच्छा बन जाएगा। तो कोशिश है। ये क्या कर रहा है? बिल्ली के साथ खेल रहा है? खेली जा। तो ये बच्चा पीछे बिल्ली के साथ खेल रहा था तो बड़ा क्यूट सा सीन था। तो बिल्ली भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है वो, तो पता नहीं किसकी बिल्ली थी वो। उम्मीद है कि आज आवाज़ ज़्यादा फटेगी नहीं और साफ आवाज़ आएगी, क्लियर आवाज़ आएगी। तो मैं न्यू जो है माइक लेके आया हूँ। तो माइक तो नहीं है, खैर ये हैंड फ्री जो होती है वो है, तो उसका माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी जो प्रॉपर माइक होता है वो अभी नहीं लिया मैंने। अभी मैं मोहल्ले के अंदर ही हूँ तो मैं बाइक आराम से निकलूँगा, क्योंकि जो मेरा एग्जॉस्ट है ना तो बहुत ज़्यादा लाउड है, तो घर बैठा बंदा डर जाता है इससे। तो ये मैंने रखा था कि मैंने कहा इंशाल्लाह जब अल्लाह देगा इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे बाइक, तो उस पर ये लगाएंगे। तो मैंने खरीद के रखा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना फिर न्यूजीलैंड का मैच जीतने की खुशी में इसे लगाएं। तो ये एक लाउड काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा ओवर भी हो जाता है। तो मेरा जरा दूसरा एग्जॉस्ट है वो ठीक है, नॉर्मल है, तो ये कुछ ज़्यादा ही लाउड है। तो अभी आपको इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे और हो सका तो पब्लिक रिएक्शन आप देख सकते हैं, क्या पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंगल क्या है कि नहीं। इस एग्जॉस्ट को रखने की वजह, लगाने के बाद जो मैंने इसे लगा रहने दिया है, इसकी वजह यह है कि इसके साथ जो पिक है बाइक की तो वो मुझे फील हुई है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मैंने इसे लगा रहने दिया। आज मैं फुल उम्मीद से हूँ कि इंशाल्लाह आज का जो व्लॉग है उम्मीद है कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ज़्यादा लाउड भी हुई तो मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग में उसे कवर कर सकें। तो ये जी हमारा समुंदरी है, समुंदरी, क्या बात है जी, क्या बात। बाइक की पिक है जो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो मज़ा आता है चलाने का। तो अभी ये कैमरा जो है ना, मुझे कैमरे का डर रहता है कि मोबाइल मेरा कहीं पे गिर ना जाए। बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है ये। तो इसे उतार देना मैंने इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन। तो अभी फिलहाल इंजॉय करते हैं इसे, काफ़ी दिनों से मैंने लगाया नहीं था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इंजॉय करते हैं बाइक की पिक को, इंजॉय करते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। वैसे बाइक का दूसरा एग्जॉस्ट है उससे भी मज़ा आता है, लेकिन इससे जो पिक है ना, जो बाइक का थ्रिल है वो मज़ा आता है। इकराम साहब का क्या हाल चाल, काफ़ी साहब मिल गए हैं रस्ते में, तो हंस रहे थे कि ये ब्लॉगिंग क्या क्या कर रहा है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब मी। तो मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक तो डेली व्लॉग लेके आऊँ, अगर डेली ना हो सके तो कोशिश एक भी कर रहा हूँ कि अच्छे व्लॉग हों, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे जो मेले वाले व्लॉग हैं तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरह के कुछ और व्लॉग जो हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरटेनमेंट वाले व्लॉग्स हैं वो लेके आऊँ, ताकि आप इंटरटेन भी हो सकें और आपको समुंदरी के बारे में भी पता चल सके कि समुंदरी के इर्द गिर्द जो गाँव हैं वो कैसे हैं। तो सब कुछ मैं कोशिश करता रहूँगा, आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ आएगा इस व्लॉग इस चैनल में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जी लारी अड्डा के करीब। तो ये लारी अड्डा है समुंदरी का,
तो इधर मेरे इस साइड पे है जी 1122 का जो है दफ्तर, कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। समुद्री में आजकल काफी ज्यादा न्यू बिजनेस है वो खुल रहे हैं, तो एक दो मैंने आपको दिखा दिया था चाय किला क्या कंसेप्ट था उनका, तो वो फिलहाल पता नहीं बंद हो गया है, क्या हुआ है, क्या बना क्या नहीं बना, तो वो मुझे नहीं पता। मैंने कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि वो खुल नहीं रहा, बंद ही है, तो अल्लाह जाने क्या मसला है क्या नहीं है। तो हम दूसरे दिन गए थे वहाँ पे, तो ठीक था, अच्छी जगह थी, पता नहीं क्यों उन्होंने बंद कर दिया है। कि हो सकता है एक इशू मुझे जो समझ आई है वो हो सकता है कि उनके पास जो था लड़के कम थे, क्योंकि जो चाय थी हमारी बनी पड़ी थी तो लेकिन कोई ला के देने वाला नहीं था, जिसकी वजह से वो ठंडी हो गई थी। शायद उसी वजह से उन्होंने बंद कर दिया, पहले अपना स्टाफ हुआ है वो पूरा करेंगे तो फिर दोबारा करेंगे स्टार्ट। मुझे अभी तक नहीं पता कि वो दोबारा स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसी सूरत हाल है। काफ़ी अच्छी जगह बनी है वैसे, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है, तो ज़्यादा लाउड हुई तो प्लीज़ माजरत है। और यहाँ पे जी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो यहाँ पे बनने लगा है समुद्री का इंट्रेंस गेट। तो समुद्री में काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम हो रहे हैं जो कि समुद्री की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे इंट्रेंस गेट जो है उसके लिए तैयारियाँ हो की जा रही हैं, उसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। ये देखें जी आप, यहाँ पे इंट्रेंस गेट बनने लगा है समुद्री का, तो काफ़ी खुश आइन बात है कि समुद्री में ऐसे काम भी हो रहे हैं, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी सी है, तो उम्मीद है जल्दी बन जाएगा ये गेट भी, तो फिर भी आप फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा बना है ये गेट। तो आज तो आपको ये बता दिया, मजा आ गया यार, वाह क्या बात है भाई। भाई ये बाइक जैसी भी है तो मजा आता है इसे, जब भी मैं चलाता हूँ, मैं रोज भी चलाऊँ इसे, मुझे फिर भी मजा आता है, तो काफी ज्यादा एंजॉय करता हूँ मैं इसकी राइड को। तो इसलिए मैं शाम को आ जाता हूँ, काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है दिन का तो वो भी उतर जाता है, तो मजा आ जाता है एक राइड करने का इस बाइक को। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी आपको भी मजा आया होगा। तो आप सामने सूरज दे सकते हैं, क्या कलर दे रहा है सूरज, तो पता नहीं कैमरे में वो कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वाह क्या सीन है भाई। तो ये काफ़ी अच्छी वाइब्स होती है कि शाम के वक्त, आप अगर गांव में रहते हैं, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, तो शाम के वक्त क्या वाइब आती है, क्या मज़ा आता है, मज़ा आ जाता है वैसे। तो ऐसी सड़कों पर मैं फिर स्लो करके राइड करता हूँ, ये आप फील कर रहे होंगे साथ साथ कि कैसा खूबसूरत मंजर है यहाँ पर। तो बाय द वे ये जो रोड है ये बाईपास है समुद्री का, तो ये भी एक रोड है जो हमारे शहर को बार बार से क्रॉस करता है, तो ये हमारे घर के करीब से ही तकरीबन गुजरता है, तो मैंने ये रोड ले लिया। कितने नहीं तेन 9:30 याद आ गया, मैं सुता हूं उस टाइम, तू है आओ वो समझदार बंदा है नोट नजर आ गया, मैं तो वैसे ही रखे वा मैं तो वैसे ही रखे, मैं अली दी दुकान 2 रुपए की चीज खा लागे सुबह, फिर तू आया गड्डी
ब्रावो जी लिखता सामने मेरा ही है ना, अभी जी सब्सक्राइब करवाने लगे हैं, मेरे खाके गया हुआ है पैसे, ब्रावो जी। तो अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सर्च करके तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। तो ये आ गया जी मेरा चैनल, तो ये मैंने कर दिया सब्सक्राइब और साथ वाला ये कौन भी पर्सनलाइज के आल कर दिया। तो ये मेरा चैनल है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। तो ये मेरी वीडियो आपको नजर आ रही होंगी। तो आज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरा जो आज का मोटो व्लॉग है तो आपको पसंद आए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये मैंने कोशिश की थी कि एक और जो पहलू है मोटो व्लॉगिंग का वो आज लेके आए। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।